हेलो एवरीबॉडी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, इन सभी के फॉर्म अभी निकले हुए हैं। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं जानने में या पुलिस फोर्स की जॉब करने में आप रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी राजेश, स्वागत करता हूं इस वीडियो में और हमारे चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज टीवी देसी ताऊ। कैसे हो आप सभी दोस्तों? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें होता क्या है, आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हो तो आपको पुलिस फोर्स की नौकरी मिलती है। अब ये होता है बीएसएफ की मिलेगी आपको, सीआरपीएफ की मिलेगी आपको, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, ठीक है। तो इन सभी ब्रांचों के लिए फार्म निकल चुके हैं, टोटल 400 पोस्ट निकाली गई है, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कई दोस्तों का कमेंट इस पर ये आएगा कि फीमेल कैसे अप्लाई कर सकती है, तो कुछ पोस्ट जो बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी है, इनमें कुछ पोस्ट फीमेल के लिए भी है जिसमें फीमेल एलिजिबल है, ठीक है। तो वो देख लेना आप कौन सी पोस्ट इस फीमेल के लिए एलिजिबल है। डिस्क्रिप्शन में आप नोटिफिकेशन है, वहां से आप पढ़ सकते हो। उसके बाद एज क्या मांगी है, तो एज मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 25 साल। एज रिलैक्सेशन आपको अलग से दी जाएगी, ठीक है। जो एस सी बी सी आपको जो भी छूट मिलती है वो आपको अलग से मिलेगी। जो एज आपकी 20 या 25 साल जो भी है, जो इन्होंने मांगी है, वो 1 अगस्त 2018 को कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री। एनी बैचलर डिग्री कैंडिडेट इस फार्म को अप्लाई कर सकता है। जो लास्ट ईयर में है, लास्ट सेमेस्टर में है, अपीयरिंग है बैचलर डिग्री में, वो कैंडिडेट भी फार्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इस फार्म को भरने की फीस क्या रहेगी, तो फीस जर्नल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 200 रुपये फीस है। एससी है, एसटी है या किसी भी कैटेगरी की फीमेल है, उसकी कोई फीस नहीं है। जो आपको पेमेंट करनी है, पेमेंट आपको ऑनलाइन तरीके से ही भरी जाएगी, ठीक है। उसके बाद फार्म कैसे भरा जाएगा, तो फार्म सिर्फ ऑनलाइन तरीके से अप्लाई होगा, नेट से फार्म भरा जाएगा। साइट डिस्क्रिप्शन में भी है, मैं आपको बता भी देता हूँ। तो www.upscionline.nic.in, इस साइट से फार्म अप्लाई कर सकते हो आप। लास्ट डेट क्या है फार्म भरने की, 21 मई 2018। जो एग्ज़ाम होगा इनका, फर्स्ट एग्ज़ाम होगा वो 12/8/2018, ठीक है। 12/8/2018 इस डेट को आपका फर्स्ट एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले लिखित परीक्षा, उसके बाद शारीरिक परीक्षा, रेस वगैरह भी होगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। यदि आप ये सारे स्टेप कंप्लीट कर देते हो, आपको जॉब में सेलेक्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों सेंटर की जॉब है, आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी जॉब है। पुलिस के फार्म तो हरियाणा में निकलने ही वाले हैं, उसके साथ साथ यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है और सभी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप इस फार्म को भी ज़रूर भरें, बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी है लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना है। यदि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो, जॉब से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।